आप में से कई लोगों ने बोला सर आप बताइए इसराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है वॉर, इसके पीछे आपका क्या ओपिनियन है? तो मैं बोलूंगा देखो, नंबर एक मैं ये मानूंगा कि इसराइल और फिलिस्तीन में जो भी हो रहा है वो यहूदी वर्सेस जो भी अपना दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आज के युग में आप जो है वो इस प्रकार के, ठीक है, अब जो होना सा हो चुका है, जो स्टैंड बाय कंडीशन उसको मेंटेन रखना चाहिए, ना उनको रॉकेट छोड़ना चाहिए, ना इनको छोटे बच्चों को के लिए सिटी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी वॉर में आम आदमी का ही नुकसान होता है। इन लोगों के अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा होता है, अपने अपने हित होते हैं। ना मैं इसराइल को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आम आदमी को सपोर्ट करता हूँ। वहाँ की जो आम पब्लिक है वाई दे शुड सफर, वो क्यों सफर करे इस चीज के लिए? इतनी घृणा उनके अंदर मत भरिए। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ में कुछ कुछ हो रहा है जो गलत है, ठीक है, कि वो बम इतने सारे बच्चे मारे गए, उनकी क्या गलती, वो जानते भी नहीं मासूम की क्या है फिलिस्तीन क्या है इसराइल। हम लोगों को एक दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना पड़ेगा। पता नहीं घृणा इतनी नफरत कैसे भरी है हमारे अंदर, क्यों इतनी नफरत भरी है हमारे अंदर, और इतनी नफरत लेके हम करेंगे क्या, कहां पहुंचेंगे हम? नफरत करनी पूरी दुनिया को, तभी कोरोना वायरस से नफरत कीजिए। नफरत करनी है तो कोरोना वायरस के जो चचेरे भाई है ब्लैक फंगस, उससे नफरत कीजिए, ठीक है ना?